तो गाइस प्रीवियस क्लास में हमने टेम्पलेट को स्टडी किया था और प्रोजेक्ट को क्रिएट किया था इन ASP.NET MVC इनसाइड इन विजुअल स्टूडियो। सो अब उस प्रोजेक्ट को हम दोबारा कैसे ओपन करेंगे और फिर उसमें हम टेम्पलेट को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपने जिस जगह पे प्रोजेक्ट को स्टोर किया है, सो नाउ उस लोकेशन पे जाइए। यहाँ पर ये हमारे पास है प्रोजेक्ट्स, हमने इनसाइड इन दिस पार्टीशन में एक फोल्डर बनाया था FYB ब्लड डोनेशन का, ये वो फोल्डर। नाउ ओपन कीजिए इस फोल्डर को और यहाँ पर एप्लीकेशन को हमने क्रिएट किया था जो यहाँ पर आपके सामने है। याद रखो ये लिंक जो आप लोगों के सामने जो नजर आ रहा है ये 256 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इस तो जो ये पाथ है ये जो, चलिए मैं इसको काउंट करता हूँ नोटपैड प्लस प्लस में और इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इसका पाथ जो है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए 256 है। ये देखिए यहाँ पर ये 91 लेंथ है इसका, ठीक है। सो ये इस पाथ का भी आप लोगों को ख्याल रखना है कि ये 256 करेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी एक पॉइंट है, नोट कीजिए अपने साथ। ओके अब चलिए इस प्रोजेक्ट को हम ओपन करते हैं। इस प्रोजेक्ट को ओपन करने के दो तरीके हैं, एक यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए ये ओपन हो जाएगा। चलिए मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये प्रोजेक्ट अभी ओपन हो रहा है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यहाँ पर ये आपके साथ दो विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल होते हैं 2019 और 2022 या 2007 जो है वो, सॉरी 2017 वो इंस्टॉल होते हैं 2017। सो फिर उसके बाद ऐसा होता है कि ये ओपन हो जाते हैं उस अदर विजुअल स्टूडियो में। सो फिर का कुछ पैकेजेस जो है वो चेंज करना पड़ता है या उसके मुताबिक वो अपने लिए उसको अपडेट करते हैं तो फिर उसमें मसला हो जाता है। सो इसलिए मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूँ कि यहाँ से आप ओपन कीजिए, मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ से इस पाथ को कॉपी कीजिए, फिर इसको क्लोज कीजिए और मैं यहाँ से इस सोल्यूशन को क्लोज करता हूँ और विजुअल स्टूडियो जो है वो नॉर्मल तरीके से ओपन कीजिए। चलिए मैं दोबारा विजुअल स्टूडियो को ओपन करता हूँ। सो ये विजुअल स्टूडियो ओपन हो रहा है। सो नाउ इट टेल टू ओपन द विजुअल स्टूडियो सक्सेसफुली। सो वन विजुअल स्टूडियो हमारे पास ओपन हो चुके हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके बाद हमें यहाँ पर कंटिन्यू विदाउट कोड करना है। जब विजुअल स्टूडियो यहाँ से ओपन हो जाए यहाँ पर फाइल में आना है हमें, यहाँ से ओपन करना है हमें प्रोजेक्ट सोल्यूशन को और फिर यहाँ पर उस पाथ को हमें पेस्ट करना है और यहाँ से इस लिंक को सेलेक्ट करें तो प्रोजेक्ट सही तरीके से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर कोई मसला भी नहीं होगा। सो ये अब प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है। अच्छा सो नो वेट, अच्छा ये प्रोजेक्ट ओके ओपन हो गया सही तरीके से। एक बार जो है इसको रन भी कर दें और चेक करें कि प्रोजेक्ट हमारे पास सही तरीके से काम कर रहे हैं। ओके प्रोजेक्ट रन भी हुआ, कोई इशू भी नहीं है। यहाँ पर एरर लिस्ट में फिर आप इसको चेक कर सकते हैं, कोई इशू कोई एरर तो नहीं है, ठीक है। सो नाउ सेव द चेंजेस एंड देन गो टू सॉल्यूशन एक्सप्लोरर और अब यहाँ पर हम इस टेम्पलेट को जो है इसको इम्प्लीमेंट करेंगे इस इनसाइड इन दिस प्रोजेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और टेम्पलेट को इम्प्लीमेंट करते हैं। सो डेस्कटॉप और ये प्रोजेक्ट्स for projects and then go to the folder of project and then go to the materials. So ये हमारे पास जो है template है। So now इसमें मैं click करता हूँ, ये template आप लोगों को मिलेगा इस video के description में। So चलिए और जो previous video था उसके description में भी ये इसका link available होगा। So चलिए इसमें मैं click करता हूँ, ये हमारे पास दो version है, एक हमारे पास ये version है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास जो है वो ये वर्जन है वर्जन 2। तो चलिए यहाँ पर जो है इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सो ये है इंडेक्स, तो चलिए
एक बार मैं इसको ओपन करता हूँ इनसाइड इन क्रोम, क्रोम ब्राउजर में, गूगल क्रोम में। सो ये अब ओपन हो चुका है। सो चलिए ऐसा करते हैं कि पहले इस जो लेआउट है हमारे पास फर्स्ट पेज है, ठीक है, उसका एक लेआउट होता है, ठीक है। और लेआउट क्या होता है, हेडर और फुटर होता है। अब हेडर और फुटर में हमारे पास जो है ये मेन्यूज हो जाता है, ये मेन्यूज होता है, ये स्लाइडर होते हैं जो आपके सामने यहाँ पर शो हो रहे हैं, और नहीं स्लाइडर को खत्म करो, ये मेन्यूज हमारे पास होते हैं, ये ऊपर जो आपको फुटर शो हो रहे हैं और नीचे जो सॉरी हेडर शो हो रहे हैं और नीचे जो फुटर है हमारे पास, ये डोनेशन के बाद ये जो ब्लैक कलर आपको नजर आ रहे हैं ये हमारे पास है फुटर। सो इसको हमें पहले जो है अलग रखना है और बाकी व्यूज के लिए हमें इस कोड को कॉपी करना है जो आपके सामने यहाँ पर शो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और उसको कॉपी करते हैं। सो हमें क्या करना है यहाँ पर एक और, चलिए उसको भी, ये हमारे पास दो तीन टाइप्स ऑफ लेआउट है, ये देखिए यहाँ पर ये अलग है, ठीक है, और ये अलग है, होम टू अलग है, इससे थोड़ा डिफरेंस ये दी कि ये सेंटर पे शो हो रहा है और यहाँ पर जो है ये साइड पे शो हो रहा है। मैं क्लिक करूं ये देखिए ये साइड पे शो है, तो मुझे ये साइड वाला जो है ये ज्यादा अच्छा लग रहा है इसलिए मैं इसको इम्प्लीमेंट कर दूं। बाकी अगर आप लोगों को होम 01 होम 02 अगर आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है तो इस लेआउट को इम्प्लीमेंट करें, लेकिन मैं इसको इम्प्लीमेंट कर दूं। तो यहाँ पर आप देखिए लास्ट में हमारे पास ये पेज है इन साइड इन वी टू में है और ये हमारे पास जो है इन इंडेक्स HTML है, तो हमें जाना है इस इंडेक्स HTML पेज में। सो ना ओपन कीजिए इसको, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर जो भी एडिटर आपके पास हो, चाहे वो नोटपैड प्लस प्लस हो या नोटपैड हो या सबलाइम टेक्स्ट हो, जो भी हो बस उसमें आप ओपन कीजिए। मैं यहाँ पर ओपन करने जा रहा हूँ एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है। तो चलिए मैंने इसमें ये ओपन हो गया, एक काम करते इसको क्लोज कीजिए और यहाँ पर जो इसे मैं ओपन करता हूँ सबलाइम टेक्स्ट में। सबलाइम को डाउनलोड कीजिए, गूगल में सिंपल लिख दीजिए सबलाइम टेक्स्ट, सबलाइम लिख दीजिए, ऑटोमेटिकली जो है वो उसकी जो है वेबसाइट आ जाएगा और आपको जो आसानी से जो इसकी फाइल मिल जाएगी एग्जी। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर दूँ, इसमें ये ओपन हो जाएगी, ये जो आपके सामने यहाँ पर शो रहे हैं। अब ये देखिए इसका अपडेट वर्जन भी आ चुका है, लेकिन खैर मैं उसको छोड़ दूँ। और ये इसमें अब हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो है ये अपडेट सॉरी इसमें हमें चेक करने हैं कि हमारे पास यहाँ पर फुटर हेडर और बॉडी में जो है कौन कौन सी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है, वो चीज़ें हमें यहाँ पर सेट करना है। अच्छा सो ना चलिए इसको हम यहाँ से जो है इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है डॉक टाइप HTML और फिर ये लैंग्वेज जो है ये हमारे पास इंग्लिश है HTML में, और फिर ये हेडर है हमारे पास, यहाँ पर भी आप देखिए ये जो है हेडर का डिटेल है हमारे पास, फिर जो लिंक जो इनसाइड है यहाँ पर हम स्टाइल शीट और CSS मुख्तलिफ जो बूटस्ट्रैप के हैं सॉरी इस टेम्पलेट के हैं वो हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर एक स्टाइल शीट भी हमारे पास, ठीक है, तो इसको हम उसमें कॉपी करेंगे। सो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट लेते हैं, यहाँ से इसको कॉपी करें फर्स्ट ये बॉडी के साथ, बॉडी टैग के साथ इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट में उसको पेस्ट करें, किधर यहाँ पर लेआउट आप लोगों के सामने नजर आ रहे हैं यहाँ पर। सो नाउ क्लिक हियर इन इनसाइड इन द लेआउट। एक और पॉइंट भी मैं यहाँ पर आपको क्लियर करता हूँ, अगर आपके पास यहाँ पर मल्टीपल लेआउट्स है, लेआउट वन लेआउट टू लेआउट थ्री, तो इस स्टार्ट से आप जो है स्टार्टअप लेआउट को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ये देखिए अंडरस्कोर लेआउट डॉट CSHTML है हमारे पास, इसलिए इस लेआउट से ये स्टार्ट लेता है, ठीक है। तो हमें इस लेआउट में जो है ये कन्फिग्रेशन करना है। सो यहाँ पर पेस्ट कीजिए अब ये, और सिंपली जो है यहाँ से बॉडी को क्लोज कीजिए और फिर यहाँ से जो है हेडर को भी क्लोज कीजिए, ठीक है, और यहाँ पर कंट्रोल के कंट्रोल डी के साथ जो है कोड को ऑर्गेनाइज करें। अच्छा सो सॉरी हेडर नहीं HTML, ठीक है, ओके। सो नाउ सेव द चेंजेस, अब दोबारा जो है फाइल में जाइए और यहाँ से जो है हमें जो है ये स्टार्टअप जो हेडर है हमें इसको कॉपी करने, तो ये देखिए हमारे पास हेडर है, बाकी नीचे जो है ये स्लाइडर है, ठीक है। सो हमें इस हेडर को कॉपी करने है यहाँ तक, सो यहाँ से कॉपी करें यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ पर नोट कीजिए, यहाँ से इसको कॉपी करें और हेडर टैग तक जो है इसको कॉपी करें। सो नो कॉपी दिस,
अब ये कॉपी हो चुके हैं, सो नाउ गो टू द विजुअल स्टूडियो और यहाँ पर इनसाइड बॉडी में इसको पेस्ट कीजिए। तो ये हमारे पास यहाँ पर हेडर भी कॉपी हो चुका है, सो नाउ सेव द चेंजेस। और इसके बाद दोबारा जो है इस पे हमें जाना है और हमें फुटर को कॉपी करना है, ठीक है। सो चलिए इस स्लाइडर को भी और ब्लॉग्स इन चीजों को भी ताकि हम आसानी से जो है ये देखें यहाँ पर फुटर अब आपके सामने शो रहे हैं। तो इस फुटर को कॉपी करें एंड तक, यहाँ तक, ठीक है। लेकिन इसके साथ हमें इस स्क्रिप्ट को भी कॉपी करना है, ठीक है। सुनो कॉपी दिस एंड देन स्क्रॉल डाउन और नीचे हमें हेडर के जो नीचे हमें इसको भी यहाँ पर पेस्ट करने, ठीक है। अच्छा तो ये हमने जो है इसको कॉपी कर दी। चलिए एक बार इसको रन करते और चेक करते कि हमारे पास ये किस तरह शो हो रहे हैं। अब ये देखें यहाँ पर रेंडर बॉडी हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो चलिए रेंडर बॉडी हम यहाँ पर लगाते हैं, वो हमारे पास किधर होगा, फुटर जो हमारे पास है और हेडर उसमें जो यहाँ पर हमें लगाना है, ठीक है। अब ये रेंडर बॉडी क्या चीज है, रेंडर बॉडी हमारे पास जो है वो यूज होता है व्यूज को यहाँ पर रेंडर करना। चलिए उसकी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ठीक है। बस रेंडर बॉडी मैंने यहाँ पर लिख दिया, अब मैंने इससे चेंजेस कर दिया, अब मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर जो डिजाइन है वो कुछ अलग है जो है वेबसाइट का था, ठीक है। तो अब हमें इसको कैसे सेट करने, हमें उसको जो इसकी जो सीएसएस लाइब्रेरीज वगैरह हमें इसको कॉपी करने है यहाँ से, ठीक है। ई सी एस एस फॉन्ट इमेजेस जावास्क्रिप्ट्स एनवी प्रोजेक्ट को चेक करते हैं इसमें क्या चीज है। नहीं बस हमें इसका जरूरत नहीं है, हमें सी एस एस फॉन्ट इमेजेस और जावास्क्रिप्ट जो है इन फाइल्स को हमें कॉपी करने, ठीक है। सो नाउ कॉपी दिस फाइल सॉरी दिस फोल्डर्स एंड देन गो टू द प्रोजेक्ट एंड यहाँ पर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में हमें कंटेंट में आना है और कंटेंट में हमें एक फोल्डर को क्रिएट करना है और उसका नाम हमें देना है यहाँ पर ये क्रिएट, अच्छा स्टॉप द डिबगिंग फर्स्ट देन गो टू द कंटेंट फोल्डर राइट क्लिक हियर एंड एड द फोल्डर and enter the name is template and then right click here and paste the folder inside in this content. So ये हमारे पास ये सब जो है files यहाँ पर paste हो जाएंगे। अब हमें इसको update कैसे करना है, इसको open कीजिए और एक file यहाँ पर जो है उसको drag कीजिए, ठीक है यहाँ पर, और ये path जो है इसको copy करें यहाँ से यहाँ तक, इसको copy करें template तक, ठीक है इस slash तक, फिर उसको खत्म करें और नीचे जो हमारे पास स्क्रिप्ट है उसमें हमें जो है इसको कॉपी पेस्ट करना है। सो यहाँ पर जो है माउस जो वो कर्सर है वो क्लिक करें और फिर आल्ट को प्रेस करें और माउस की लेफ्ट बटन को भी प्रेस करें, ठीक है। और फिर इन सब को एक साथ सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर कंट्रोल वी के साथ इसको पेस्ट कीजिए, तो ये हमारे पास सेट हो गया। अब यहाँ पर अच्छा अब यहाँ पर भी हमें इनको सेट करें, सो यहाँ पर भी Alt प्लीज प्रेस कीजिए फिर माउस लिफ्ट बटन और यहाँ पर पाथ को पेस्ट कीजिए और यहाँ पर भी इसको पेस्ट कीजिए, बाकी इमेजेस हैं यहाँ पर भी पेस्ट कीजिए और जगह तो नहीं है। अच्छा इसको भी चेंज करें ब्लड डोनेशन, ऑनलाइन ब्लड डोनेशन यहाँ पर हम लिखते हैं टाइटल में ऑनलाइन ब्लड डोनेशन और बाकी इमेज है, चलिए इस पर भी पेस्ट कीजिए पाथ और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कीजिए वन बाय वन जो है इसमें जो है आप अपडेट कीजिए। यहाँ पर मैं चलिए जो है ये कॉन्टेक्स्ट और कॉल अस, चलिए कॉल अस का जो है मैं चेंज करता हूँ 92 और यहाँ पर जो सपोर्ट टीम नंबर है इलिया सॉफ्ट का जिसपे आप लोगों को फ्री सपोर्ट मिलता है वो नंबर मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ
3076781 इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज द व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर। और यहाँ पर जो है मैं एड्रेस एंड ये कांटेक्ट जो है इसलिए इस पे सदर या यहाँ पर करता हूँ मैन सदर, ये खत्म कीजिए यहाँ पर केपीके पाकिस्तान, और यहाँ पर जो शेयर है उसका मैं यहाँ पर इसका कोड एंटर करता हूँ। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर एड्रेस देना है। बाकी जब बंदा पेशावर में आ जाते हैं यहाँ पर चलिए पेशावर भी यहाँ पर एंटर करें, वैसे भी कोड से जो है वो नजर आता है। ठीक है, एक काम करें, ये पेशावर जो है यहाँ पर नहीं लिखना है, एड्रेस का पैटर्न भी फिर देखिए। ठीक है, कि वेबसाइट्स वगैरह में हम एड्रेस को कैसे एंटर करते हैं, ये अभी देखिए एक जगह है, फिर ये जगह इनसाइड केपीके में है और केपीके इनसाइड इन पाकिस्तान में। ठीक है, जिस तरह मेन सदर जो है वो पेशावर में है, उस तरह केपीके पाकिस्तान में है। ठीक है, और फिर उसका पोस्टल कोड। तो इस तरीके से आपको वेबसाइट के टॉप पे जब भी आप एड्रेस जो है वो इंटर करोगे या शो करोगे तो आपको ऐसे फॉर्मेट में जो है इसको देना है, क्योंकि अच्छी तरीके से जो है समझ आ सकता है, और पैटर्न भी यही है। बाकी स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर भी पाथ को जो है वो सेट करते हैं। अब पाथ को दोबारा कॉपी करना पड़ेगा, चलो कॉपी द पाथ, पेस्ट यहाँ पर भी पेस्ट कीजिए, फिर स्क्रॉल डाउन, और ये जो होम टू वगैरह ये शो रहा है ना, इसको हम बाद में अपडेट करेंगे। ठीक है, तो बस इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पर कुछ चेंजेस ना करें, और ये इमेजेस वगैरह जो है उसको अपडेट करें, ये भी अपडेट ना करें। ठीक है, इमेजेस ओनली इमेजेस जो है हमारे पास उनको अपडेट करें। ये देखिए इनको भी छोड़ दें, लिंक्स जो है इसको छोड़ दें, ओनली इमेजेस को जो है उसको अपडेट कीजिए, क्योंकि उन इमेजेस के पे जो है हम रिप्लेस करेंगे। ये सपोर्ट डोनेशन डॉट कॉम, सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सपोर्ट ऑनलाइन डोनेशन डॉट कॉम, ऑनलाइन ब्लड डोनेशन चलिए लिखते हैं, क्योंकि इसके लिए जो वेबसाइट हम जो है वो परचेस करेंगे वो भी ऑनलाइन ब्लड डोनेशन के नाम से होगा। और यहाँ पर हेल्प मी जो है इसको भी कॉपी करें यहाँ से और पेस्ट करें। ठीक है, और बाकी अब यहाँ पर हमें जो है फुल एड्रेस देना है। ठीक है, सो फुल एड्रेस हम कैसे दें, चलिए मैं जो है इलिया साहब जो एच आर ऑफिस है उसका एड्रेस देता हूँ, ऑफिस #8 और फर्स्ट फ्लोर यहाँ पर तस्नीम प्लाजा। अब यहाँ पर जो जिसके ये नजदीक है, सो यहाँ पर तस्नीम प्लाजा नियर जॉन्स बेकर, यहाँ पर स्वीट्स भी मिलता है। ठीक है, ये जॉन्स बेकर, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है अब हमें केपीके पाकिस्तान, और सॉरी पाकिस्तान नहीं क्योंकि ऊपर हमने दिया हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पर पेशावर केपीके, और यहाँ पर बांग्लादेश, तो यहाँ पर हमें पाकिस्तान लिखना है। ठीक है, ओके, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर हमें जो है ये +92 और फिर 314 और ये 78। ठीक है, यहाँ पर भी जो है ये ऑफिस, चलिए इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, तो ये भी यहाँ पर पेस्ट हो गया। अच्छा, अब स्क्रॉल डाउन करें और ये सपोर्ट लिंक वगैरह स्क्रॉल डाउन इमेजेस यहाँ पर है कि नहीं, स्क्रॉल डाउन करें। अच्छा, अब वो जो है ये सेट हो गया। ठीक है, पाथ वगैरह इमेजेस वगैरह सब का जो है वो पाथ हमने जो है उसको अपडेट कर दिया। तो चलिए इसको रन करते और चेक करते कि हमारे पास सब सामने मतलब साथ जो है ये कैसे शो हो रहे हैं। सो नाउ रन द एप्लीकेशन,
और हेडर और फुटर जो है हमारे पास उसको हमने सेट कर दिया, तो चेक करते हैं कि वो अब कैसे शो हो रहा है। अभी देखिए इसका लुक जो है वो काफी चेंज है, ठीक है। तो अब जो हमारे पास जो मसला चल रहा है वो किस वजह से चल रहा है, तो इसको हमें चेक करना है, ठीक है। दोबारा यहाँ पर क्लिक कीजिए और इसमें कोई ऐसा फाइल है जो हम मिस कर रहे हैं इसको। और नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ मैं, HTML टैग सही है, ये देखिए HTML टैग का मसला भी है। सो HTML नाउ सेव द चेंजेस और इसको रिफ्रेश कीजिए। सो कॉन्टेक्स्ट भी सही हो गया, अब उसके बाद ब्लड डोनेशन भी शो हो रहे हैं, बाकी इसका जो है वो भी सही है। अब इसमें हमें फाइल को चेक करने के कौन सा फाइल है जो यहाँ पर वो सेट नहीं हो रहा है, ठीक है। सो कंटेंट टेम्पलेट ये भी, ये देखिए यहाँ पर ये बूटस्ट्रैप का हमने जो है पाथ सेट नहीं किया है, ठीक है। सो नाउ कॉपी दिस, सॉरी यहाँ से कॉपी करें उसको और यहाँ पर पेस्ट करें। याद रखो जब भी कोई इशू कोई मसला आप लोगों के सामने आते हैं तो गलती हमारा होती है, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर को एक जुबान आते हैं, जो हम उसको बताते हैं वही ये करता है। सो कभी भी ये ना कहो कि मेरे पास वो काम नहीं करते, उसके साथ काम करता है। सो मसला क्या होते हैं, हमेशा हमारे साथ ही मसला होते हैं, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर ये ऑनलाइन ब्लड डोनेशन जो है शो रहा है, क्योंकि हमने जो है इसमें इस इंडेक्स में लिखा हुआ है। सो जो व्यू हम रेंडर करेंगे इनसाइड इन दिस लेआउट, वो यहाँ पर जो रेंडर लिखा हुआ है वो व्यू यहाँ पर ही रेंडर होगा। तो इसका फायदा हमारे पास ये है MVC का, MVC पूरा पेज दोबारा लोड नहीं करते हैं सर्वर से, ओनली बस उस व्यू को आप जो है वो लोड करते हैं। सो अब हमें इस इंडेक्स में जो है वो टेम्पलेट का बाकी हिस्सा जो है इसे भी हमें यहाँ पर सेट करना है, ठीक है। तो स्क्रॉल डाउन कीजिए और इस इंडेक्स में हम सेट करेंगे। खैर मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर होम ही लिखता हूँ इनसाइड इन दिस, इस व्यू को जो है नाम देता हूँ इनसाइड कंट्रोलर जो हमारे पास है होम का, उसमें मैं एक फोल्डर एक एक्शन को क्रिएट करता हूँ, एक्शन यूज होते हैं टू मैनेज द बिहेवियर। अच्छा तो यहाँ पर मैं पब्लिक और एक्शन रिजल्ट, और एक्शन रिजल्ट में यहाँ पर होम, होम कंट्रोलर भी है, होम के साथ नाम पे आप जो है एक्शन भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन उसको थोड़ा चेंज करें, मेन होम मैंने यहाँ पर लिख दिया। सो चलिए अब यहाँ पर हम उसके के लिए एक व्यू को क्रिएट करते हैं, ठीक है, और पहले यहाँ पर हम रिटर्न व्यू को करते हैं, ठीक है। एंड देन राइट क्लिक कीजिए यहाँ पर और जो है स्टॉप कीजिए फर्स्ट एप्लीकेशन को, राइट क्लिक कीजिए यहाँ पर ऐड कीजिए एक व्यू को। सो ये व्यू हमारे पास यहाँ पर ऐड हो जाएगी। सो नो ऐड, और ये जो नीचे हमने लेआउट सेलेक्ट कर दिया इसके लिए, बाद में जब वीडियो आप देखेंगे तो उसको चेक कीजिए, वहाँ पर ऑलरेडी लेआउट सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। सो नाउ सेव कर दिया हमने चेंजेस, और अब यहाँ पर जो है बाकी जो ये फुटर और ये हेडर है हमारे पास। अच्छा अब इसके बाद हमें इसको कॉपी करने, ठीक है। सो नाउ कॉपी, ये देखिए अब इसको ओपन कीजिए, ठीक है, क्योंकि हमें इसको कॉपी करना है। सो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हम इसको कॉपी करते हैं तो इसका टेक्स्ट जो है वो कॉपी नहीं होता, इसलिए मैं इसको ओपन करता हूँ दोबारा ताकि मुझे मसला ना आए, ठीक है। सो नो, क्योंकि इस पे यहाँ पर इतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन जब हम इसको कॉपी करेंगे तो उधर उसको सेट करना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है फिर। जब आप लोग सही काम करोगे, सही कोड करोगे तो टाइम जरूर लगेगा, लेकिन
एक साल दो साल जब आप कोडिंग करोगे वो भी सही तरीके से, तो फिर टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, सुनो, कॉपी फुटर से स्टार्ट लें, हेडर सेक्शन तक इसको कॉपी करें। हेडर, ये हेडर क्लोजिंग टैग जो होते हैं जो है उस तक हमें इसको कॉपी करना है। अच्छा, अब इस कोड को यहाँ से कॉपी कीजिए। ठीक है, सुनो, कॉपी द कोड, और यहाँ पर जो है दोबारा स्टूडियो में, और यहाँ पर हमें इसको जो है पेस्ट करना है। ठीक है, सुनो, पेस्ट द कोड। अब यहाँ पर इमेजेस वगैरह भी है, ठीक है, तो उसकी जो पाथ है वो भी हमें सेट करना है। ये देखिए आप, तो हमें सिंपली क्या करना है, दोबारा लेआउट में जाए और इसका जो पाथ है वो यहाँ से कॉपी करे कहीं से भी। चलिए मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये टेम्पलेट तक मैंने इसको कॉपी कर दिया। अब यहाँ पर मेन होम डॉट सी एस एस टी एम एल में, सो इस इमेज को जो है ना इसको फाइंड कीजिए इसके साथ। चलिए कॉपी, कंट्रोल एफ, और यहाँ पर जो है इसको पेस्ट कीजिए। ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब रिप्लेस ऑल, सो ये सब इमेजेस में हमारे पास जो है रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ इमेजेस है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर काफी जितनी भी शो रहे हैं वो सिर्फ इमेजेस ही शो रहे हैं, बाकी आइकन्स वगैरह तो ऑलरेडी लाइब्रेरी में है। सो यहाँ पर ये वगैरह आइकन जो है वो ऐसे यहाँ पर वो शो करते हैं, वो उसकी मसला नहीं है। ठीक है, बस इमेजेस है सिर्फ, वो बस रिप्लेस हो गया। ये देखिए यहाँ पर, ये अगर इमेज है तो वो भी यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स, ये अब ये देखिए यहाँ पर हमने एक मसला जो है वो कर दिया। वो हमारे पास क्या है, एक इमेज को देखिए, मैं वो आपको समझाता हूँ, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर इमेज नहीं है। ठीक है, सो हमें क्या करना है, इसको कंट्रोल जेड करना है। ठीक है, एक बार कंट्रोल जेड कीजिए और यहाँ पर जो है इसको कॉपी कीजिए और फिर उसके साथ यहाँ पर इसको भी पेस्ट कीजिए। ठीक है, और फिर रिप्लेस कीजिए तो फिर मसला नहीं होगा। अब ये देखिए, ठीक है, अब इसके साथ इमेज शो हो रहा है। सो ये हमने रिप्लेस कर दिया। अब सेव द चेंजेस और दोबारा एप्लीकेशन को रन कीजिए। एंड नाउ वेटिंग टू रन द एप्लीकेशन सक्सेसफुली। सो ये जो पाथ चेंज करना है इमेजेस का, टेम्पलेट का, इसमें आपको जो है काफी जो है वो एहतियात रखना है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर, अब ये टेम्पलेट जो है यहाँ पर इंटीग्रेट हो चुका है। अब इसमें इमेजेस वगैरह जो है हम ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, सो ये हो गया हमारे पास टेम्पलेट इम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से जो है ये काम करते हैं यहाँ पर। बाकी जो है ये भी यहाँ पर जो मेन्यू है वो भी सही तरीके से जो इम्प्लीमेंट हो चुका है। एड्रेस वगैरह भी यहाँ पर है। ठीक है, और ये ब्लड डोनेशन, सो इंशाल्लाह इन कमिंग वीडियो वी आर गोइंग टू एड द डेटाबेस लेयर एंड दिस प्रोजेक्ट्स मींस इनसाइड इन द सॉल्यूशन। यहाँ पर जो सॉल्यूशन आपको शो रहा है, इसमें आप एक और प्रोजेक्ट को हम ऐड करेंगे और उस प्रोजेक्ट जो है वो डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा, और उस कंसेप्ट को कहते हैं टीरियर कंसेप्ट। ठीक है, टीरियर ऑफ प्रोजेक्ट्स इनसाइड एंड प्रोजेक्ट में, जब सॉल्यूशन में जब हम दो प्रोजेक्ट तीन प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उसको टीरियर कहते हैं। ठीक है, उसको इंशाल्लाह हम कमिंग वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।